तो स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये आप देख रहे हैं आलोक भाग दो, क्लास कक्षा 10 की यानी 10वीं क्लास की इलेक्टिव हिंदी जो है उसके हम चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में इस बार 2024 में क्या एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम बात करें तो न्यू की और छोटा जादूगर अपने आप में 10 मार्क देगा, सो बहुत बड़ी मार्क है। 5-5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। न्यू की से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, देख सकते हैं न्यू की जो यहाँ पे देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको सब दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्यू की ईट जो है, ये न्यू की ईट इसके लेखक कौन है ये आपको पढ़ना है। तो रामब्रिज बेनीपुरी जी है। उसके बाद रामब्रिज बेनीपुरी जी का आप क्वेश्चन देख लीजिए, पहला है कि न्यू की ईट के लेखक कौन है, याद भी हो जाता है रामब्रिज बेनीपुरी जी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा रामब्रिज बेनीपुरी जी का जन्म कवर कहा हुआ था। मैं इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा। चलिए इससे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं तो दे रहा था, अभी हम मेन क्वेश्चन की बात करते हैं। बस यहाँ से दाग मार लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। रामब्रिज बेनीपुरी जी का जन्म कवर कहाँ हुआ था। बेनीपुरी जी ने क्यों करनी पड़ी थी। बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था। चमकीला सुंदर सुगढ़ इमारत वस्तु किस पर टिकी हुई है। न्यू की ईट पर है कि नहीं। दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है। यहाँ पे ये एक मार्क है, एग्ज़ाम में ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब चाहिए। मैं बोल रहा हूँ दुनिया का ध्यान किस पर जाता है, न्यू की ईट को हिला देने से क्या परिणाम होगा, पूरा गिर जाएगा इमारत, सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तु तक इनकी सादों पर चमकते हैं, ये दो मार्क का आया हुआ था। आज किसके लिए चारों ओर होड़ावड़ी मची हुई है। और ये तो ये एक मार्क का पूरा था। अब दो मार्क में हम नहीं बोल रहे हैं कि आप ये पढ़िए, आप यहाँ से मत पढ़िए, ओके यहाँ से मत पढ़िए, आप यहाँ से भी मत पढ़े, यहाँ से भी मत पढ़िए। आपको मैं दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा सिलेक्शन, सिलेक्शन मैं यहाँ से दूंगा क्योंकि क्या होता है डिस्प्ले में। पता नहीं पिक्चर सब ऐसा क्यों होता है। देखिए ये वाला है सर से, ये मैं दाग मार रहे हैं। डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठे रहता है, न्यू की ईट से है। बेनीपुरी जी का पूरा नाम क्या है। आज न्यू की ईट बनने की अपेक्षा कंगूरे की ईट बनने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं दुनिया वाले। उसके बाद आज हमारे नौजवानों के समक्ष क्या चुनौती है, ओके आज हमारे नौजवानों के समक्ष क्या चुनौती है, ये वाला आप क्वेश्चन लिख लेना है, ये मैं इम्पोर्टेंट दिया हूँ। देखिए आज नौजवानों के समझ क्या चुनौती है। उसके बाद दिया है लेखक के अनुसार ईटों कौन सी ईट अधिक धन्य है, सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है, बलिदान खोजती है, बलिदान ईट का हो या व्यक्ति का, ऐसा स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है, ओके। और ये नॉर्मल मार्क नहीं है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे देखेंगे 4 से 5 मार्क, एक क्वेश्चन लिखने पे 5 मार्क मिलता है, कितनी बड़ी मार्क है, बहुत बड़ी मार्क है। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। देश का शायद कौन होगा जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हो जिनके हड्डियों के दान ने विदेशी वित्रासुर का नाश किया। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्देपन साथ साथ जन्म लेती है, जिया करते हैं, हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहा, मैं बस इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ आपको, बस इतना ही पढ़ना है, बहुत कम दे रहा हूँ, सब छोड़ दे रहा हूँ मैं, और जितना दे रहा हूँ ये गारंटी लेता हूँ यहीं से आएगा। ये देखिए न्यू की ईट के संदेश को अपने शब्दों में लिखिए, 15 में 19 में 22 में कई बार क्वेश्चन आया हुआ था। देश के नौजवानों के सामने आज क्या चुनौती है, न्यू की ईट लेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, ऐसा स्पष्ट करना है। उसके बाद न्यू की ईट क्या भूमिका होती है, भारत के नव निर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है, न्यू की ईट और कंगूरे की ईट के प्रतीकार्थों को स्पष्ट कीजिए। बस ये काफ़ी रहेगा एग्ज़ाम के लिए, मोर देन एनफ है, अब इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ने से काफ़ी रहेगा, ठीक है, इतना पढ़ने से काफ़ी रहेगा, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही पढ़िए, एनफ है। अब देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, लिख ले, बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाय द वे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बात है, मैं जितना दे रहा हूँ अभी भी भरोसा के लिए
इतना ही आएगा। और आपको रिक्वेस्ट है कि आपका अगर चैप्टर पढ़ाया नहीं गया स्कूल में तो हमें कमेंट करें, मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा। और बाकी भी आपका जितना चैप्टर में सब इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, मैं खुद से सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। और पर्सनली मैं हिंदी बहुत पढ़ाता हूँ एक्चुअल में, तो ये मुझे एक आइडिया हो चुका है कि एग्जामिनर किस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिफेयर करता है। ओके, तो अलग चैप्टर भी दूंगा, इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आपको ये वीडियो मिलेगी।